9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. सेक्शन 28 हम लोगों ने देखा था चार्जिंग सेक्शन पीजीबीपी में. पहला पॉइंट था एनी प्रॉफिट और गेन अराइजिंग फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन कैरिड ऑन बाय द एसएससी एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर. सेकंड बताया गया था इन केस ऑफ एन एक्सपोर्ट एसएससी. पहला प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इम्पोर्ट लाइसेंस, ड्यूटी ड्रॉबैक, कैश असिस्टेंस एंड प्रॉफिट ऑन ट्रांसफर ऑफ ड्यूटी इंटाइटलमेंट पासबुक. थर्ड बताया गया द वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट और परक्विजिट्स arises due to business or exercising of the profession. Fourth बताया गया था key man insurance policy. Fifth बताया गया था any salary, bonus, commission or any other remuneration, whatever the name is, received or receivable by a partner from its partnership firm is very much chargeable to tax under the head PGBP. Next बताया गया था any compensation due to or received by any person from any other person. पहला मॉडिफिकेशन एंड टर्मिनेशन, मॉडिफिकेशन और टर्मिनेशन टर्म्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट रिलेटिंग टू एनी इंडियन कंपनी और अदर कंपनी, जिसमें फॉरेन कंपनी भी आ गई. मॉडिफिकेशन और टर्मिनेशन टर्म्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट रिलेटिंग टू एनी इंडियन फर्म और इंडियन एजेंसी, फॉरेन इसमें शामिल नहीं होंगे. तीसरा बताया था क्या वेस्टिंग ऑफ द मैनेजमेंट इन फेवर ऑफ द गवर्नमेंट. नेक्स्ट पॉइंट बताया गया था एनी कंपनसेशन ड्यू टू और रिसीव बाय एनी पर्सन फ्रॉम एनी अदर पर्सन फॉर नॉट कैरिंग आउट एनी बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया, फॉर नॉट शेयरिंग एनी कॉपीराइट, फ्रेंचाइजी, लाइसेंस, ट्रेडमार्क, पेटेंट, फॉर्मूला और सच टाइप ऑफ कॉमर्शियल राइट्स एक्सेट्रा. क्लियर. एक लास्ट में और बताया था सेक्शन 35AD. मैंने कहा था ये बाद में हम लोग डिस्कशन करेंगे. कोई पॉइंट छूटा गया? नहीं. कल तो हम लोगों ने सेक्शन 28 देखा था, बात नहीं. आज हम लोगों का सेक्शन है सेक्शन 29. ये सेक्शन बताता है हाउ टू कॉम्प्यूट पीजीबीपी, हाउ टू कॉम्प्यूट पीजीबीपी का कैलकुलेशन करें तो करें कैसे. जब हम इस सेक्शन की ओर देखें तो इस सेक्शन ने कहा क्या, कहा मेरी ओर ना देखो, मेरी ओर ना देखो. अगर आप कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो सेक्शन 30 से लेकर, बोलो बोलो भाई, 43D. सेक्शन 43D के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा. पक्की बात, बोलो. सेक्शन 29 कहता है हमारी ओर ना देखो. अगर आप इंटरेस्टेड है फॉर द पर्पज ऑफ, इफ यू जस्ट वॉन्ट टू कैलकुलेट योर पीजीबीपी इनकम, देन ट्राई टू गो विथ सेक्शन 30 टू सेक्शन 43D. और देखें एक ही लाइन में लिखा हुआ है, ये लिखा है ना, सेक्शन 29 ने साफ साफ लिखा है सेक्शन 30 से लेकर सेक्शन 43D के प्रोविजंस को अगर आप फॉलो करेंगे देन यू विल बी वेरी मच कैपेबल टू गेट योर बिजनेस इनकम और प्रोफेशन इनकम. क्लियर. सेक्शन 30 ये हमारा पहला सेक्शन है जिसमें हमको अब कॉम्प्यूटेशन सीखना है. क्या सीखना है? लेकिन इस कॉम्प्यूटेशन सीखने के पहले हम एक लाइन बता दें. नॉर्मली तुम लोग ये जानते हो ये हमारा ट्रेडिंग एंड पीएल होता है, होता है कि नहीं? और मेरी बिजनेस इनकम इसी से सेट होगी. बट ऑब्वियस है मेरी बिजनेस इनकम किससे सेट होगी? इसी ट्रेडिंग एंड पीएल से. मैंने दिखा दिया रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस, चाय पानी नाश्ते पर मैंने खर्च किया 20,000.
इनकम टैक्स ऑफिसर ने कहा कि 20,000 मुझे जेन्युइन नहीं लग रहा, ज्यादा लग रहा है। क्या लग रहा है? यहां 20,000 के बजाय 15,000 होना चाहिए और मजबूरी है कि हमको कैलकुलेशन करना है 15,000 पे। रूल्स कहते हैं कि आपको डिडक्शन 15,000 से ज्यादा नहीं मिल सकता। रूल्स क्या कहते हैं? मैंने वर्ड क्या यूज किया? डिडक्शन। मैंने वर्ड क्या यूज किया? इसका मतलब ये इनकम एडिशन होती है तो ये खर्चे डिडक्शन की तरह यूज किए जाते हैं। अब मैं कहूं कि ये खर्चा डिडक्टेबल है तो समझ में आ जाना चाहिए कि इतना माइनस होगा इनकम में से, कंफ्यूजन ना हो। मैं कहूं ये खर्चा डिडक्टेबल है, इट मींस कि 15,000 तक अलाउबल है। एक्सपेंसेस था 20,000, अलाउबल था 15,000, तो डिसअलाउड कितना हो गया? तो डिसअलाउड का मतलब अब समझ में आ जाएगा। आगे से जब भी हम अलाउड और डिसअलाउड, डिडक्टेबल और नॉन डिडक्टेबल वर्ड लिखेंगे या बोलेंगे तो समझ में आ जाएगा। बोलो, अगर मैं कहूं कि 20,000 रुपए का एक्सपेंडिचर किया गया था लेकिन इनकम टैक्स रूल्स या प्रोविजंस के हिसाब से एक्सपेंसेस शुड नॉट बी इन एक्सेस ऑफ ₹15,000, इट मींस द मैक्सिमम डिडक्टेबल और मैक्सिमम अलाउबल अमाउंट इज ₹15,000। इट मींस इन एक्सेस ऑफ ₹15,000 इफ एनी एक्सपेंसेस हैज बीन इनकर्ड, इट इज डिसअलाउड एट ऑल, नॉट डिडक्टेबल एट ऑल। पक्की बात है ना? अब क्लियर है कि हम जब भी डिडक्शन, डिसअलाउड, अलाउड की बात करेंगे तो अपने आप दिमाग में आएगा। ये इनकम मैंने 1,00,000 लिखी, इनकम टैक्स प्रोविजन के हिसाब से ये 1,00,000 नहीं होनी चाहिए थी, 1,20,000 होनी चाहिए थी। यानी अलाउबल इनकम इज 1,20,000, डिडक्शन तो है ही नहीं। क्लियर है? पक्की बात है ना? अब जरा बताओ, अब हमें तो इनकम टैक्स का कैलकुलेशन करना है इन्हीं ट्रेडिंग एंड पीएल के हिसाब से। 5,000 को डिसअलाउ करने की क्या रेक्टिफिकेशन एंट्री करोगे? थोड़ा जल्दी बताना बाबू। हमारा अब कैलकुलेशन किसके हिसाब से होगा? हाँ बताओ। पीएल अकाउंट डेबिट, डेबिट तो था पहले से ना, क्या एंट्री करोगे बोलो? सही बोल रहा है, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू पीएल होगा। एंट्री क्या होगी भाई? एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू पीएल या पीएल अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस या एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश या कैश अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस? बात तो समझाओ, बोलो भाई। हमें उल्टा करना है ना, क्या कियो तुम? एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू पीएल कितने रुपए से? अब ये सब तो ना बताओ कि सर ये नहीं आता, कि ये सब पढ़ाना पड़ेगा क्या हमको? हाँ बोलो, क्या बोल रहे? समझ में आई बात? कोई दिक्कत है? होनी चाहिए, इनकम टैक्स में जर्नल एंट्री नहीं होती है, मैंने पहले भी बताया है। और तुम लोग फंस गए? फंसे तो थे बेटा, एक मिनट के लिए फंसे तो थे, दिमाग में तो दौड़ ही गई थी एंट्री। अरे नहीं क्या? हाँ ना, थोड़ी देर के लिए। अब बाद में भले थोड़ा समझ में आया, उसने सर बोला तो दिमाग थोड़ा खुला होगा, कोई तो उसमें लोचा है उससे। हाँ बोलो, इसीलिए बोलने आएगा तब ना बोलोगे? यही दिमाग में था कि बोल देंगे कहीं गलत ना हो जाए। एंट्रीज नहीं होती इनकम टैक्स में। और मैंने कहा भी कि कैलकुलेशन इस हिसाब से होगा, तो कैलकुलेशन का जर्नल एंट्री से क्या लेना देना? जो भी चीज़ कैलकुलेट करते हो जर्नल एंट्री करते हो, कैलकुलेट कैलकुलस में से कैलकुलस का कैलकुलेशन करते हो तो क्या जर्नल एंट्री करते हो? ट्रिग्नोमेट्री में कैलकुलेशन करते हो तो क्या जर्नल एंट्री करते हो? जो चीज़ कैलकुलेट करोगे जर्नल एंट्री करोगे, बात खत्म। तो यहाँ पर हम लोग इनकम टैक्स का कैलकुलेशन कर रहे हैं तो उसके लिए जर्नल एंट्री की कोई जरूरत? आपने बुक्स में 20,000 दिखाया, दैट इज ओके, द प्रॉफिट इज इन अकॉर्डिंग विद योर ओन कैलकुलेशन। नाउ वी आर जस्ट रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इनकम एज पर द इनकम टैक्स एक्ट एंड रूल्स। हाँ या ना? तो उसके लिए कुछ प्लस या माइनस करने पड़ेंगे, बट डजंट मीन एट ऑल दैट वी हैव टू चेंज आवर बुक्स ऑफ अकाउंट। हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में क्यों चेंज करेंगे? तो अब ये बेसिक कंसेप्ट क्लियर हुए, अब सेक्शन 30 से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। सेक्शन 30, इसने कहा
जब हम बिजनेस करते हैं तो जाहिर सी बात है सबसे पहले बिजनेस की बात आती है तो दिमाग में गोडाउन, बिल्डिंग, प्रीमाइसेस दिमाग में आता है ना। चल अगर मैं बिल्डिंग की बात करूं, अगर बिल्डिंग बिजनेस में यूज होती है तो हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर से तो मैंने उसको हटा ही दिया था, कट कर दिया था, याद आया? देखो मैंने वहां कट किया था और मैंने कहा था जब पीजीपीपी पढ़ेंगे तो वहां पर देखेंगे। आज देखो वो समय आ गया, हम उस बिल्डिंग की बात कर रहे हैं, हाउस प्रॉपर्टी की, जिसको मैंने कट किया था कि अगर बिजनेस में अगर मेरी प्रॉपर्टी यूज होती है, मेरे बिजनेस में प्रॉपर्टी यूज होती है तो उसका हाउस प्रॉपर्टी में इनकम से कोई लेना देना, वो कहां जाएगी? पीजीबीपी में जाएगी। देखो कहा गया अगर कोई बिल्डिंग यूज होती है आपके बिजनेस और प्रोफेशन में और आप उस बिल्डिंग पर कोई खर्च करने की जरूरत है क्या? हाँ, रिपेयर की जरूरत है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस नहीं करोगे? करोगे। रेंट पे करोगे अगर अपनी बिल्डिंग नहीं है तो? किराए पर लेकर के अगर बिल्डिंग दी बिजनेस कर रहे हैं तो रेंट पे करेंगे? करेंगे। टैक्स का पेमेंट करोगे, रेट्स एंड टैक्सेस का और इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट करोगे? कहा गया ये सारे रेवेन्यू नेचर के खर्चे हैं। कैपिटल नेचर के भी हो सकते हैं, नहीं हो सकते, लेकिन कैपिटल नेचर का डिडक्शन नहीं मिलेगा। सेक्शन 30 कहता है कि इफ एनी बिल्डिंग इज यूज फॉर बिजनेस और प्रोफेशन देन ऑल द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स आर टू बी डिडक्टेबल अंडर सेक्शन 30। Now the expenses might be of repair and maintenance, rates and taxes, insurance and rent. Clear? अगर आपने ये खर्चे किए हैं और revenue nature के हैं, business के लिए किए हैं, अपने लिए नहीं किए हैं, personal purpose के लिए, capital nature के नहीं हैं और during the previous year किए गए हैं तो आपको छूट मिलेगी section 30 में। Section 30 ने क्या बोला कि अगर कोई building जो मेरे business में use हो रही है उस बिल्डिंग पर अगर आपने रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस, इंश्योरेंस प्रीमियम एंड रिपेयर एंड मेंटेनेंस का कोई खर्चा किया है जो रेवेन्यू नेचर का है, कैपिटल नेचर का नहीं है, पर्सनल यूज में नहीं है प्रॉपर्टी, बिजनेस में यूज होती है और खर्चा प्रीवियस ईयर में किया गया है रेलिवेंट ईयर में, तो आपको डिडक्शन मिलेगा सेक्शन 30 में। क्या दिक्कत थी इसमें? कौन सी बड़ी चीज बोल दी? डिडक्शन मिलेगा सेक्शन 30। अब डिडक्शन का मतलब समझ में आ रही है, खर्चे अलाउड होंगे सेक्शन 30 में। क्लियर? कोई भी दिक्कत हो तो बोलो। नहीं है सर, अगर कैपिटल नेचर का हो, और दूसरी चीज डेप्रिसिएशन तो आपने बताया ही नहीं। सेक्शन 32 हम लोग डेप्रिसिएशन की ही बात करेंगे फिलहाल, वो बाद में आएगा। तो डेप्रिसिएशन की बात हम किस सेक्शन में करेंगे? डेप्रिसिएशन की बात किस सेक्शन में करेंगे? 32 में। डेप्रिसिएशन की बात किस सेक्शन में करेंगे? याद रहेगा सेक्शन 30 हम लोगों ने क्या देखा कि इफ एनी बिल्डिंग और बिल्डिंग और प्रॉपर्टी इज used for business or profession run by the SSE, then all the following revenue nature expenditures are allowed under section 30: rent, rates and taxes, repair, insurance premium, provided these expenditures are to be incurred during the relevant previous year. Clear है? चाहे actual में payment हुआ या नहीं हुआ वो बाद की बात है, हमने तो खर्च कर दिया ना, 10,000 का खर्च किया, 8,000 पेमेंट हुआ है, 2,000 का पेमेंट होना बाकी है, तो भी 10,000 की छूट मिलेगी, बिकॉज वी आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन आवर बुक्स ऑफ अकाउंट ऑन द बेसिस ऑफ द मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। नॉर्मली फिलहाल वही मानकर चलेंगे। क्लियर है? बोलो, हटा सकते हैं इसको। बिल्डिंग पर कौन से चार खर्चे हैं? रेट्स, रेंट, इंश्योरेंस प्रीमियम, रिपेयर एंड मेंटेनेंस। वो हो गया, टैक्स एंड रेट्स लोकल टैक्स में ही आता है। क्लियर है? बोलते क्यों नहीं, आगे बढ़े। सेक्शन 31 की बात करते हैं।
अब बिल्डिंग, जब भी हम बिजनेस की बात करेंगे तो तुरंत एक दिमाग में बिल्डिंग आ गई, बिजनेस की बात की दिमाग में बिल्डिंग आ गई, और बिल्डिंग के अंदर घुसो तो वर्कर काम करते हुए नजर आएंगे, मशीनों पर फर्नीचर होगा, मशीनें होंगी, होंगी ना। क्या हम केवल बिल्डिंग पर ही रेवेन्यू नेचर का खर्च करते हैं? क्या हम मशीनों पर खर्च नहीं करते? क्या हम फर्नीचर पर खर्च नहीं करते? करते। उसके लिए सेक्शन कौन सा बना? एक्सपेंसेस ऑन प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर एंड फिक्स्चर। सर प्लांट का मतलब समझ में आता है, मशीनरी का मतलब समझ में आता है, फर्नीचर का भी मतलब समझ में आता है, ये फिक्स्चर क्या है? ये फिक्स्चर कई बार तुम लोगों ने इसको पढ़ा होगा लेकिन ध्यान नहीं दिया कि इसका मतलब भी तो समझ लिया जाए, है ना कमियां? हमेशा दिमाग फर्नीचर एंड फिक्स्चर रटा गया, फर्नीचर एंड फिक्स्चर, लेकिन फिक्स्चर का मतलब तो बताओ, ऐसे ही लिख दिया गया, ऐसे वैसे, तो ये वैसे वाला हिसाब किताब है, चाय वाए, तो ये वाए वाला हिसाब है, तो ये वैसा वाला हिसाब नहीं है। फर्नीचर और फिक्स्चर दोनों अलग अलग होते हैं। ये जो तुम लोग जिस पर बैठे हो ये फर्नीचर है, लेकिन इसी फर्नीचर को अगर हम जमीन में टाइट कर दें, जमीन के साथ जोड़ दें, तो वो फिक्स्चर हो जाएगा। सिनेमा हॉल में जाते हो ऐसा थोड़ी कि मेरी सीट आगे चाहिए तो उठा करके आगे ले गए पीछे से देखने का मन कर रहा है बालकनी में, तो अपनी सीट उठाए और बालकनी में रख दिए, वैसा नहीं ना होता है, वो फिक्स्चर होता है। फर्नीचर के साथ साथ क्या है, उसमें फिक्स्चर्स भी जुड़ा हुआ है, बिना फिक्स्चर के वो फर्नीचर जमीन के साथ अटैच नहीं होता। हम जिस कॉलेज में पढ़ते थे उस कॉलेज में भी फर्नीचर के साथ फिक्स्चर था, नहीं फिक्स्चर नहीं हटा सकते हो, उस रूम में है लेकिन वो टेबल बेंच दोनों हट सकती हैं साथ साथ, ठीक है ना, ये क्लियर है? क्लियर है? डराती है चाय माता ने डरा दिया है देखो सेक्शन 31 में अगर हमने बिल्डिंग पर खर्च किए थे कौन से चार बताओ, रेंट एंड टैक्स, रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, इंश्योरेंस प्रीमियम। अब ये कहता है जो हम खर्च करेंगे वो दो होंगे कि चार होंगे? चार। पहला सुन लो, सुन लो, रिपेयर, इंश्योरेंस प्रीमियम, रेंट, रेट्स एंड टैक्स, चार खर्चे हो सकते हैं यहां पर भी। क्यों? फर्नीचर हम किराए पर लाए जिस पर तुम बैठे हो, नहीं नहीं हम फर्नीचर किराए पर लाए, और बोलो मना कर दोगे हमको किराए पर लाने से? तुमको जमीन पर बैठा है पलती मारकर, किराए पर ला सकते हैं, ला सकते हैं, मना नहीं कर सकते। लेकिन कहा गया सेक्शन 31 इन दो खर्चों को ही अलाउड करेगा। तुरंत पढ़ लेते हो, सेक्शन 31 इन दोनों को अलाउड करेगा। एक और सेक्शन आगे चलकर पढ़ोगे जिसका नाम होगा बचा खुचा सेक्शन, रेजिड्यूअल सेक्शन, रेजिड्यूअरी सेक्शन, सेक्शन 37। उस सेक्शन का नाम ही है मैं हूं ना। क्या नाम है, याद आया? मैं हूं ना। मैं हूं ना का मतलब है जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल आ जाए, सेक्शन 37 देगा साथ सबका, अगर वो ये कंडीशन सारी फुलफिल कर लेता है तो। सेक्शन 37 है, ये कहता है कि अगर ये कंडीशंस फुलफिल हो जाएं, सेक्शन 37 कहता है अगर ये कंडीशंस फुलफिल हो जाएं तो हम खर्चों की छूट देने को तैयार हैं, भले ही कोई खर्चा छूट देता, कोई सेक्शन छूट देता हो या ना देता हो, बट इफ ऑल दीज कंडीशंस आर फुलफिल्ड देन मैं हूं ना। बात समझ में आई?
इसका मतलब ये हुआ कि हम लोगों को जितनी भी छूटें मिलेंगी वो 30 से स्टार्ट होंगी और 36 पर खत्म होंगी। तभी तो 37 कहता है कि मैं हूं ना बचा खुचा सेक्शन। इसका मतलब ये कि हम लोग को जितनी भी डिडक्शंस पढ़नी है वो 30 से स्टार्ट होंगी और 36 पर एंड होंगी। अब क्लियर हुआ? सुनो, पहले देखो ना कितने सिस्टमैटिक तरीके से एक्ट बनाया जाता है, बनाया जाता है। अगर हम सेक्शन 32 देख लें, 33 देख लें, 36 देख लें, फिर 30 पर आए तो शायद हमको एक्ट समझने में बहुत दिक्कत होगी। जिस तरह तुम लोग पैदा होते हो, किलकारियां मारते हो या रोते हो? किलकारियां। आज क्या करते हो? आज रोते हो। ये थोड़ी कोई कहेगा रोते समय, वो देखो किलकारी मार रहा है। तो किलकारियां तो बच्चे मारते हैं, उस समय भी रोते थे, आज भी रोते हो, लेकिन उस समय के रोने को क्या बोलते हैं? किलकारियां मारना। अब क्या बोलेंगे? रोना। अब बोलते हो दहाड़े मार मार रोना। अब शेर की तरह दहाड़ मार मार कर रोगे तो बात दूसरी है। देखो रोना भी कई तरह का है, फफक फफक कर रोना। अब ये तो बात समझ में नहीं आई, फफक फफक कर रोना। फिलहाल इधर देखो, सेक्शन 37 में अगर देखा जाए, एक्ट ने जैसे जैसे तुम लोग पैदा हुए, थोड़े बड़े हुए, प्लेवे में डाला गया, बच्चे के ऊपर बोझ ना डालो, खेल कूद करके आएगा। थोड़े बड़े हुए, ABCD, जब स्कूल से आते, बेटा क्या पढ़ाया गया? अब मम्मी पापा भी, बेटा क्या पढ़ाया गया? है कि नहीं? नर्सरी में, नर्सरी में पौधे भी जैसे बड़े होते हैं, उसको भी नर्सरी बोला जाता है। तो तुम लोग बड़े हो रहे हो, फिर स्कूल में गए, 6th 7th 8th में, थोड़ा प्रेशर पड़े, बेटा बड़ा होकर क्या बनेगा? है कि नहीं? देखो धीरे धीरे ऐसे थोड़ी पैदा होते ही, इसको तो सीए बनाकर छोड़ेंगे, इसको तो हम सीए बनाकर छोड़ेंगे। तो वैसे ही छूट जाएगा। हैं? हाँ, तो अभी हमको एक मिला भी ट्रेन में, जब जा रहे थे दिल्ली की ओर, तो एक बंदा मिला सामने, तो ICICI का ब्रांच मैनेजर है। तो उससे मैंने पूछा, भाई बात बात में कहा, पहले मैंने बीटेक किया, फिर मैंने MBA किया, बड़े बढ़िया कॉलेज से किया। तो मैंने कहा 3 इडियट देखिए, कह रहा है मुझे मालूम है तुम क्या बोलने वाले हो। उसमें भी यही था, प्राइस टैग लगा हुआ था उसके ऊपर। तो हाँ भाई, जब भी देखो ये जूता 20,000 का है, ये 15,000 का है। तो कहने का मतलब ये है कि हम लोग जैसे जैसे बड़े होते हैं, फिर 12th पास किया, पढ़ाई पूरी की, शादी हुई, बच्चे हुए, बूढ़े कमाया धमाया, बूढ़े हुए, उसके बाद स्वाहा, ठीक है। हाँ भाई, वो सबके साथ है, वही चीज़ एक्ट के साथ भी है। देखो ना, सिस्टमेटिक पहले सेक्शन बनाया, मेरा नाम ये है, उसने भी बताया मेरा नामकरण ये है। उसके बाद देखो हम अंदर ऐसे से डिफाइन किए जाएंगे सेक्शन 2 में, सेक्शन 3 हम क्या स्कोप है, क्या चार्जिंग सेक्शन है, धीरे धीरे आगे आता गया, हर हेड ऑफ इनकम को खत्म करता गया। आगे जब हम लोग चलेंगे तो रूल्स को फॉलो न करने पर प्रोविजंस हैं, दंडित किए जाओगे, पनिशमेंट मिलेंगे, ये सारी चीज़ें आराम से आगे आएंगी, लाइन से बनाया गया है। क्या बोल रहे हो? यहाँ पर भी वही है, सेक्शन 37। इसने कहा कि अगर 31 to 36 कोई सेक्शन तुम्हारा साथ ना दे तो हम हैं, मैं हूं ना। क्या बोला इसने? अगर कोई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, पक्का है, बिजनेस के लिए किया गया है, पक्का है, कैपिटल नेचर का नहीं है, पक्की बात है, पर्सनल नेचर का नहीं है, पक्की बात है, प्रीवियस ईयर में ही किया गया है, पक्की बात है, और 30 से 36 वाले उसको धक्का मार मार कर निकाल दे रहे हैं, यानी उनको अलाउड नहीं कर रहे, तो मैं हूं ना। कौन सा सेक्शन? अब क्लियर है, अगर सेक्शन 30 से 36 साथ ना दे, रेवेन्यू नेचर का हो, कैपिटल नेचर का ना हो, बिजनेस के लिए हो, पर्सनल ना हो, प्रीवियस ईयर में किया गया हो, तो सेक्शन 37 है ना। अब बात समझ में आई? क्लियर है? इसीलिए इसको कहा जाता है रेजिड्यूरी सेक्शन। क्या बोला जाता है? हटा सकते हैं। तो रेंट एंड रेट्स एंड टैक्स को चूंकि सेक्शन 31 ने अलाउड नहीं किया, सुन, सेक्शन 31 ने रेंट एंड रेट्स को अलाउड नहीं किया, तो कौन अलाउड करेगा?
है तो बिजनेस के लिए, प्रीवियस ईयर में किया गया है, कैपिटल नेचर का नहीं है, रेवेन्यू नेचर का है, पर्सनल नेचर का नहीं है, 30 से 36 ने अलाउड नहीं किया, तो सेक्शन 37 ने कहा मैं हूं ना इनके लिए। अब क्लियर है, पक्की बात? सोच लो, एक बार रिवाइज करो सेक्शन 29, 30, 31। हम लोगों ने अब तक देखो सेक्शन 29 देखा हम लोगों ने, हाउ टू कॉम्प्यूट पीजीबीपी। सेक्शन 30 से 43 डी तक के प्रोविजंस को दिमाग में सेट कर लो, यू कैन कॉम्प्यूट योर पीजीबीपी इनकम। सेक्शन 30 कहता है रेवेन्यू नेचर एक्सपेंसेस ऑन बिल्डिंग, हाँ या ना, यूज फॉर बिजनेस और प्रोफेशन। सेक्शन 31 कहता है रेवेन्यू एक्सपेंसेस ऑन प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर एंड फिक्सचर। अब तक हम लोगों ने ये देखा, एक और सेक्शन हम लोगों ने खत्म कर लिया, पता भी नहीं चला, रेजिड्यूरी सेक्शन। बोलो ना, ये सेक्शंस हम लोगों ने ओवर कर लिए। अब जो सेक्शन स्टार्ट होने वाला है, उसको हम लोग बाद में करेंगे। सेक्शन 32, डेप्रिसिएशन। सर आप लाइन तोड़ रहे हैं, तोड़ने दो। तीन क्लासेस चलेंगी इस पर अकेले, इस सेक्शन पे 2 से 3 लेक्चर जाएंगे, ज्यादा भी जा सकते हैं, तो इसको हम लोग बाद में देखेंगे। 3 लेक्चर 4 लेक्चर जा सकते हैं, तो 4 लेक्चर में पहले हम लोग बाकी सारे सेक्शंस खत्म ही कर दें, एक अकेला बचेगा उसको आराम से डील करेंगे, पक्की बात है। और कहा जाता है गागर में सागर, ये सेक्शन अकेला है। आज जो हम लोग देखेंगे, एक नया सेक्शन और आया है, सेक्शन 32AC। अभी मैं इसको डिफाइन नहीं करने जा रहा, इन्वेस्टमेंट लिंक्ड डिडक्शन है 15% के हिसाब से, मैं इसको बिल्कुल डिफाइन नहीं करने जा रहा, डेप्रिसिएशन के साथ ही मैं इसको रखूंगा, ठीक है ना, इन दोनों को हम लोग साथ में देखेंगे। आज जो हम लोग देखने जा रहे हैं, इसमें बहुत बढ़िया अमेंडमेंट आया है, याद रखना, इसमें न्यू अमेंडमेंट आए हैं, ये पिछले साल से लॉन्च हुआ है, 14-15 असेसमेंट ईयर से लॉन्च हुआ था सेक्शन 32AC, और 13-14 में लॉन्च होने के बाद, मतलब असेसमेंट ईयर 14-15, फिर इस साल असेसमेंट ईयर 15-16 के लिए इसमें बढ़िया अमेंडमेंट किया गया, इसको और फर्दर एक्सटेंड किया गया है, नहीं तो इसका ये आखिरी साल था, इसको 3 साल और मिल गए, देखेंगे, बहुत बढ़िया अमेंडमेंट है, न्यू अमेंडमेंट इन असेसमेंट ईयर 15-16, चलो देखा जाएगा बाद में। बोलो, आज जो हम लोग देखेंगे वो देखेंगे सेक्शन 33AB। सेक्शन 33AB हटा सकते हैं सारा, मेहनत करने के लिए तैयार, एक बच्चे ने हमसे कहा सर आप डस्टर से क्यों नहीं रब करते हैं, कपड़ा खराब लगता है ना, कई लोगों का दिमाग में आ रहा होगा, कपड़े से साफ होता है, अच्छा साफ होता है, डस्टर से इस तरह के निशान रह जाते हैं। चले, हेडिंग है इस सेक्शन की टी कॉफी एंड रबर डेवलपमेंट रिजर्व। होता क्या है जब पीजीबीपी खत्म होता है, मैंने क्या कहा सबसे बड़ा चैप्टर है, टाइम लेगा खत्म होने में,
लेकिन उसके बाद जब हम लोग रिवीजन करेंगे तो वह मुश्किल 25 मिनट लेगा, खत्म होने में 15 से 20 क्लासेस लग जाएंगी, लेकिन जब रिवीजन होगा तो कितनी देर में होगा? मैंने सेक्शन 28, 29, 30, 31, 37 अगर रिवाइज करना चाहें तो मुश्किल से 2 मिनट लगेगा ना, उससे ज्यादा तो नहीं लगना है। सेक्शन 33AB, फर्स्ट टाइम हम लोग देखने जा रहे हैं कि ये सेक्शन होता क्या है, और फर्स्ट टाइम तुम लोग के लिए एक नई चीज मिलेगी। जरा सोचना कि जब हम लोग ट्रेडिंग पीएल बनाते हैं, पहले तो मैं बता दूं कि ये सेक्शन है क्या, ये क्या है। ये जब ट्रेडिंग पीएल बनाते हो, तुमने यहां लिख दिया नेट प्रॉफिट, तो इसका मतलब यहां टैक्स घट चुका होगा, इसका मतलब यहां पर प्रॉफिट आप बिफोर टैक्स रहा होगा, हाँ है ना। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से जब टैक्स लेस हो जाता है तो मेरे पास बचता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और जब नेट प्रॉफिट बचता है उसमें से ट्रांसफर किया जाता है टू रिजर्व, हाँ या ना। ये तो हम लोगों ने देखा था पीएल एप्रोप्रिएशन में, और हम लोगों ने देखा था प्रपोज डिविडेंड भी होता है, यानी डिविडेंड आफ्टर टैक्स प्रॉफिट में से दिया जाता है, ट्रांसफर टू रिजर्व भी आफ्टर टैक्स प्रॉफिट में से दिया जाता है। इट मीन्स कि जब भी हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स का कैलकुलेशन करते हैं, क्या उसमें से ट्रांसफर टू रिजर्व माइनस करने के बाद टैक्स का कैलकुलेशन करते हो क्या? बोलो, नहीं ना। कि पहले ये प्रॉफिट है 2 लाख का, चलो 50,000 रुपए रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं, 1.5 लाख का 30% 45,000 रुपए हमारा टैक्स बना और 1,05,000 रुपए का नेट प्रॉफिट बचा। क्या ऐसे करते हो? हम लोग क्या करते हैं, सीधे 2 लाख का 30% 60,000, 1,40,000, और उस 1,40 में से रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं 50,000। कुछ इस तरह की सिचुएशन हम लोग यूज टू हैं देखने के लिए अकाउंटेंसी में, हाँ या ना। लेकिन बेटा ये अकाउंट नहीं है, ये टैक्स है। आपको अब इस तरह से सोचना पड़ेगा, खास करके इस रिजर्व के लिए, और इस तरह के रिजर्व को हम लोग स्टैट्यूटरी रिजर्व कहते हैं। और जब मैंने तुम लोग को एमलगमेशन पढ़ाया था तो मैंने वहां पर भी अकाउंट्स में स्टैट्यूटरी रिजर्व का नाम लिया था, याद आया होगा। और मैंने कहा था कि जब टैक्स में तुम लोग पढ़ोगे स्टैट्यूटरी रिजर्व तो वो आएगा, उसमें से पहला ये है। कौन सा रिजर्व है ये? स्टैट्यूटरी रिजर्व। कौन सा रिजर्व है? क्लियर है? अब हमको इस तरह से सोचना है, यानी रिजर्व की छूट मिलेगी उसके बाद टैक्स का कैलकुलेशन होगा। रिजर्व की छूट मिल जाएगी फिर बचे हुए इनकम पर हमारा टैक्स लगेगा। सोचो ना, कितने आश्चर्य की बात है। आज तक तो ऐसा सोचा ही नहीं था कि कुछ ऐसा भी करने को या देखने को मिलेगा। बोलते क्यों नहीं, आज मिला ना। क्या है ये सेक्शन और क्यों है ये सेक्शन? आखिर टी डेवलपमेंट रिजर्व और कॉफी डेवलपमेंट रिजर्व और रबर डेवलपमेंट रिजर्व में ऐसे कौन सुरखाब के पंख लगे हुए हैं कि इनको पहले डिडक्शन दे दो बाद में टैक्स निकालो। सोचो ना, एसएससी को फायदा मिल गया, छूट मिल गई उसको खर्चे की, रिजर्व में ट्रांसफर करने की, फायदा मिला ना, टैक्स कम बना बना। क्यों आखिर ऐसा, क्यों ऐसा बाकी लोगों के साथ ना इंसाफी क्यों और इसके साथ ऐसा क्यों? कहानी समझते हैं इसके पीछे की, लॉजिक क्या है इस रिजर्व को लाने के पीछे। एज्यूम करते हैं कि वो असम का उग्रवादी है, ठीक, छोड़ दो, नहीं नहीं करते। इसने वोडाफोन का कनेक्शन लिया। किसका कनेक्शन लिया? पहले हच था, अब वोडाफोन है। वेयर एवर यू गो आवर नेटवर्क फॉलोज, आप जहाँ जहाँ जाओगे हमारा नेटवर्क पीछे पीछे आएगा। आप समुद्र के बीच में रहेंगे वहाँ भी नेटवर्क पकड़ेगा, ऐसा पॉसिबल तो है नहीं लेकिन दिखाता तो ऐसा ही है, जंगल के बीच में है तो भी नेटवर्क पकड़ रहा है। तो इसने वो नेटवर्क लिया वोडाफोन का, और असम का रहने वाला,
दूर दूर तक देखो। हम अभी अपने सीए साहब के साथ गाड़ी पे जा रहे थे, सारे लोग बैठे थे, 4-5 CA, दूर दूर तक खेत खेत नज़र आ रहे थे। अब सारे चुप्पी मार कर बैठे थे, बताएंगे नहीं, चुप्पी मार कर बैठे थे सन्नाटे में। तो मैंने उनसे कहा, अब चुप्पी तोड़े नहीं थी, मैंने कहा कि सर ये दूर दूर तक जितना खेत दिख रहा है ना, मैंने कहा हाँ, मैंने कहा इधर जितनी दूर नज़र जा रही है, करे हाँ मेरा नहीं। उनको ये लगा ये बोलेगा मेरा है, मैंने कहा मेरा नहीं, तो कहे बता क्यों रहे थे, मैंने कहा हम जानकारी दे रहे थे और क्या। सब सन्नाटे में बैठे हुए थे और क्या करें। तो दूर दूर तक जहां तक देखो वहां खेती खेत किसकी, चाय की, यहां भी चाय वहां भी चाय, यहां तो चाय पीनी पड़ती है, वहां चाय के खेत है कि नहीं, पत्तियों में चाय है, हरी हरी पत्तियां हैं चाय की, जब भी चाय पीने का मन करे एक पत्ती तोड़ो खा लो, चाय हो गई है कि नहीं। हुआ क्या, सुनो, पहले ये गया वोडाफोन का नेटवर्क लेकर के एकदम खेत के बीच में, किलोमीटरों तक खेत है उसके बीच में जाकर बैठ गया। अब वहां से कॉल किया चाय बागान के मालिक को, सेठ जी उधर से आवाज़, हाँ बोल। कहा देख हम तुम्हारे खेत में बिल्कुल बीच में बैठे हैं, 5 करोड़ रुपया तुरंत लाओ, हाथ में मेरे पास माचिस भी है, एक तीली लगेगी आपके 50 करोड़ की फसल जल करके स्वाहा। अब चाय बागान का मालिक थर 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 उठा, वो 5 करोड़ लाया और उसको दे दिया। ये चलता बना 50 पैसे का माचिस लेकर के, ठीक है ना। अब खर्चा कैसे दिखाएगा, खर्चा कैसे दिखाएगा और कहाँ दिखाएगा, आखिर बिजनेसमैन जो है वो खर्चा तो दिखाएगा ना, एक्सपेंसेस तो हुआ ना, उसने एक्सपेंसेस दिखाया अपनी बैलेंस शीट में, जानते हो किस नाम से, सीक्रेट रिजर्व के नाम से, सॉरी सीक्रेट एक्सपेंसेस के नाम से, सीक्रेट कमीशन के नाम से, रिजर्व नहीं, सीक्रेट कमीशन के नाम से, सीक्रेट एक्सपेंसेस के नाम से, और कई सालों तक उसको छूट मिलती रही। अचानक एक बंदे का खाता ओपन हुआ, उससे पूछा गया डिटेल में ये क्या है सीक्रेट कमीशन, तो पहले तो वो आनाकानी किया। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले पूछे जबरदस्ती, भाई बताओ ये क्या है, तो उसको बताना पड़ा, देखो रहते तो हम लोग हिंदुस्तान में ही हैं लेकिन प्रोटेक्शन गुंडों से मिलता है, ये वो प्रोटेक्शन चार्ज है, तो इसीलिए सीक्रेट एक्सपेंसेस है, कमीशन दिया है उसको प्रोटेक्शन का, नहीं तो आएंगे आप लोग तो कुछ करोगे ही नहीं, वो आग लगा कर चले जाएंगे, आप आओगे बुझाने का काम करोगे, वो जब बुझ जाएगी तब, तो ऐसा क्या। अब गवर्नमेंट ने इस मजबूरी को समझा और पता चला कि ये तो पूरा नेटवर्क बिछा हुआ है पूरे हर जगह, मेरी बात समझना। तब गवर्नमेंट ने कहा कि ठीक हम एक सेक्शन ले आ रहे हैं, कौन सा सेक्शन, 33AB। अब समझ में आया, अगर आप अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा रिजर्व में ट्रांसफर कर रहे हो और ये कसम खाते हो कि उस रिजर्व का यूज आप अपने बिजनेस एक्टिविटी और बिजनेस को प्रमोशन देने में या बिजनेस की ग्रोथ करने में लगाओगे, तो हम आपको उस रिजर्व की छूट देंगे। ये पहली बार हुआ होगा कि जब किसी रिजर्व की छूट दी गई, पहले इन्वेस्टमेंट अलाउंसेस रिजर्व भी था, वो भी अब दूसरे तरीके से आ गया है फिलहाल। कहने का मतलब इस सेक्शन से हम लोगों ने छूट दी एसएससी को रिजर्व में ट्रांसफर करने का, क्लियर है, एसएससी को फायदा मिला। गवर्नमेंट ने कहा तुम लोग को डरने की जरूरत नहीं, तुम लोग को टैक्स की रियायत चाहिए, वो टैक्स की रियायत हम दे रहे हैं आपको, आप अपने बिजनेस को प्रमोट और ग्रोथ करने में लगाइए इसका एक्सपेंसेस को। लोगों को खुशी मिली, कुछ चीजें दबी, क्लियर। क्या है ये सेक्शन, अब जरा इसको डिफाइन कर ले। अगर कोई एसएससी स्टडी मेट कोई लाया है, अगर कोई एसएससी टी के बिजनेस में इन्वॉल्व है, अगर कोई एसएससी टी के ग्रोथ में मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व है इन इंडिया, कहाँ पे, इन इंडिया, और अपने प्रॉफिट का कुछ परसेंटेज वो अगर रिजर्व में ट्रांसफर कर देता है, कहाँ ट्रांसफर करता है, अगर अपने प्रॉफिट का कुछ परसेंटेज, अभी मैंने परसेंटेज नहीं बताया,
मैंने कहा अपने प्रॉफिट का कुछ परसेंटेज वो रिजर्व में ट्रांसफर कर देता है तो उसको छूट मिलेगी, डिडक्शन मिलेगा, उस रिजर्व में ट्रांसफर करने पर उस एक्सपेंसेस को अलाउड किया जाएगा। क्लियर? कितना और कब तक देखा जाएगा। द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन आर एप्लीकेबल टू एन एस एस सी कैरिंग ऑन बिजनेस ऑफ ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग टी, कॉफी और रबर इन इंडिया एंड द एस एस सी। ठीक है, वो बात की बात है, क्लियर है। अगर कोई एस एस सी भारत में, हिंदुस्तान में टी, कॉफी या रबर के बिजनेस को ग्रो करने में और उसके मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज में लगा हुआ है तो उसको इस सेक्शन में छूट मिल सकती है, बशर्ते अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा निकाल कर वो इस रिजर्व में ट्रांसफर कर दे। किस रिजर्व में ट्रांसफर कर दे? टी डेवलपमेंट रिजर्व, कॉफी डेवलपमेंट रिजर्व, रबर डेवलपमेंट रिजर्व, तो उसको इस एक्सपेंसेस या ट्रांसफर टू रिजर्व की छूट मिलेगी। कितनी छूट मिलेगी और कब तक उसको ट्रांसफर करना है, ये दो बातें दिमाग में आई। भाई कब ट्रांसफर करें, पहली प्रॉब्लम आई ना, और कितनी छूट मिलेगी, कहा गया एक्चुअल अमाउंट डिपॉजिटेड या 40% ऑफ द प्रॉफिट ऑफ दिस बिजनेस, जो दोनों में से कम हो। सारी छूट नहीं मिलेगी, जितना करोगे उतना छूट मिल जाना। मैक्सिमम 40% ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, ऑफ दिस बिजनेस। 40% से ज्यादा अगर आप डिपॉजिट करोगे, कहां डिपॉजिट करेंगे वो भी आ रहे हैं, 40% से ज्यादा अगर आप डिपॉजिट करोगे, ट्रांसफर करोगे रिजर्व में, तो हम उसकी छूट नहीं देंगे। आपने लिखा ट्रांसफर टू रिजर्व, इतना लिख देने से दिस इज नॉट अ सफिशियंट, आपको उस अमाउंट को डिपॉजिट करना पड़ेगा SBI या उसके नॉमिनी बैंक में, जो टी बोर्ड, रबर बोर्ड या कॉफी बोर्ड द्वारा अप्रूव्ड हो। आपको एक बैंक में अकाउंट खोलना पड़ेगा और वो अकाउंट टी बोर्ड, कॉफी बोर्ड या रबर बोर्ड अप्रूव्ड करता है, और उस अकाउंट में अगर आप ट्रांसफर करते हो, ट्रांसफर टू रिजर्व, वो अमाउंट जाकर के आपने डिपॉजिट कर दिया, देन यू आर able to get the deduction under section 33AB. Only by transferring the amount in the reserve is not a sufficient thing. Only by making the journal entry in the books of account is not a sufficient thing to get the deduction under section 33AB. Actually, you have to deposit the amount in the bank and the account must be approved by the tea board, coffee board or rubber board. Clear? पक्की बात है। फिर से अब इस कहानी को समझते हैं कि अगर कोई एसएससी, कोई एसएससी, इंडिविजुअल, प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कंपनी, सोसाइटी, कोऑपरेटिव, जो भी मैटर हो, AOP BOI, अगर कोई एसएससी अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा ट्रांसफर करता है किसमें, इस रिजर्व में, तो उसको डिडक्शन मिलेगी, बशर्ते वो बिजनेस करता हो किस चीज़ का, टी डेवलपमेंट का, कॉफ़ी डेवलपमेंट का और रबर डेवलपमेंट का, और अपना अमाउंट डिपॉजिट वो निकाले रिजर्व से और डिपॉजिट कर दे बैंक में, जो टी बोर्ड, कॉफ़ी बोर्ड या रबर बोर्ड द्वारा अप्रूव्ड हो। कितनी छूट मिलेगी? 40% ऑफ द प्रॉफिट और एक्चुअल अमाउंट डिपॉजिटेड विच एवर इज लेस। 40% ऑफ द प्रॉफिट और एक्चुअल अमाउंट डिपॉजिटेड विच एवर इज लेस, जो दोनों में से कम हो। 40% ऑफ द प्रॉफिट और एक्चुअल अमाउंट डिपॉजिटेड विच एवर इज लेस। कब तक जमा करना है? सर जी, आप तो ऐसी ऐसी बात कर देते हैं, ये कैसे पता चलेगा कब तक जमा करना है? अरे रिजर्व में तो हम तब जमा करेंगे जब हमें प्रॉफिट पता चलेगा, क्योंकि लिखा हुआ है 40% ऑफ द प्रॉफिट, और प्रॉफिट साल के अंत में ही पता चलेगा, यानी 31 मार्च 2015 को। 31 मार्च, हम लोग जो प्रीवियस ईयर की बात कर रहे हैं, वो कौन सा प्रीवियस ईयर है? 14-15। तो हमें तो प्रॉफिट पता चलेगा सर जी 31 मार्च 2015 को, अगर हम आज जमा करना चाहें। कहा गया कि 31 मार्च 2015 के बाद भी हम आपको 6 महीने का समय और देंगे। सुन लो पहले, क्योंकि प्रॉफिट तो आप एक्चुअल में यहां पता कर पाओगे, और ऐसा तो है नहीं रात को 12 बजे पता किया प्रॉफिट और रात को 12 बजे जाकर के बैंक में जमा किया, पॉसिबल नहीं है। कहा गया
The amount must be deposited within a 6 month from the date of the end of financial year या previous year. Within 6 month from the end of the relevant previous year. Or date of filing of return of income. सुनो, date of filing of return of income. हमें 31 मार्च के बाद 6 महीना क्या डेट आती है बताओ? 30 सितंबर. मैंने रिटर्न दाखिल किया 30 सितंबर, कोई दिक्कत नहीं है, हमें 30 सितंबर तक जमा कर देना है पैसा. क्यों? क्योंकि जब हम रिटर्न दाखिल करते हैं तो उस रिटर्न दाखिल करते समय हमको बताना होता है कि हमने इनकम टैक्स का कैलकुलेशन कैसे किया, ये इनकम, ये खर्चा, ये ट्रांसफर टू रिजर्व. अरे अगर आप इस डेट में बता रहे हो ये रिजर्व में ट्रांसफर, तो इसका मतलब रिजर्व में ट्रांसफर करने के साथ साथ आपने वो पैसा जमा भी करवा दिया हो, हाँ या ना. लेकिन अगर आप रिटर्न दाखिल कर रहे हो 30 अगस्त को, तो बेटा इस डेट तक पैसा भी तो जमा कर दो, तभी तो आप बता भी पाओगे, तभी आप बता भी पाओगे कि आपको कितनी छूट मिलनी है. आपने अपना कॉम्प्यूटेशन किया है कि हमें ये छूट मिलनी चाहिए, आपने खुद बनाया, आप SSC हो, आपने खुद बनाया, ये मेरी इनकम, ये मेरा खर्चा, उसमें आप लिखोगे ट्रांसफर टू रिजर्व. अरे आज अगर रिटर्न दाखिल कर रहे हो तो रिटर्न की डेट दाखिल करने की डेट तक आप जमा भी तो कर दो, इसके बाद कौन सा तुम डिडक्शन ले पाओगे. तो कहा गया जो दोनों में से बाद में हो. अच्छा अच्छा पहले हो, बिल्कुल सही है, जो दोनों में से पहले हो. अब क्लियर है, जो दोनों में से, विद इन 6 month फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर और द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम, विच एवर इज अर्लियर, विच एवर इज अर्लियर. क्लियर? शुरू से एक बार पढ़े. सेक्शन 33AB कहता है कि अगर कोई SSC हिंदुस्तान में, भारत में टी, कॉफी या रबर के बिजनेस में इन्वॉल्व है, ग्रोथ एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, और अगर वो अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा रिजर्व में ट्रांसफर कर देता है, और ऐसा रिजर्व में ट्रांसफर कर देता है, तो उसको डिडक्शन मिलेगी अंडर सेक्शन 33AB. क्लियर? रिजर्व में ट्रांसफर करने का मतलब ये कि एक्चुअल में उसने वो अमाउंट डिपॉजिट किया हो, किस में, बैंक में, जो SBI है उसकी नॉमिनी बैंक हो, और वो अकाउंट अप्रूव्ड हो टी बोर्ड, कॉफी बोर्ड और रबर बोर्ड द्वारा, तो उसको ये डिडक्शन मिलेगी. कब तक जमा करना है? विद इन अ 6 month फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलिवेंट ईयर, रेलिवेंट प्रीवियस ईयर और डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम, व्हिच एवर इज अर्लियर. कितना मैक्सिमम डिडक्शन मिल सकता है, सीलिंग क्या है डिडक्शन के, मैक्सिमम सीलिंग क्या है? 40% ऑफ द प्रॉफिट ऑफ दिस बिजनेस और एक्चुअल अमाउंट डिपॉजिटेड, व्हिच एवर इज लोअर. अच्छा, कसम खाई थी बेटा तुमने कि इस पैसे का यूज हम यूज करेंगे अपने बिजनेस को डेवलप करने में, मिस यूज नहीं करेंगे. बात समझ में आई? अगर हम इस पैसे से कोई एसेट खरीदें तो क्या गुनाह किया मैंने? ना. अगर आपने इस बिजनेस के लिए कोई एसेट खरीदी तो आप खरीद सकते हो, लेकिन इन 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 एसेट्स को नहीं खरीद सकते. आप इस पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन इन इन जगहों पर इन्वेस्ट नहीं कर सकते. क्या नहीं खरीद सकते सर जी? सुन, कोई भी ऐसी एसेट नहीं खरीदोगे, कोई भी ऐसी एसेट नहीं खरीदोगे जिसका 100% डेप्रिसिएशन एक ही साल में मिल जाता हो. अरे जब 100% डेप्रिसिएशन मिल गया तब अब और ज्यादा डिडक्शन का है कि कोई भी एसेट नहीं खरीदोगे इस पैसे से जिसकी 100% डेप्रिसिएशन एक ही साल में मिल जाता हो. कोई भी ऐसी एसेट नहीं खरीदोगे जिसका 100% डेप्रिसिएशन एक ही साल में अलाउड हो जाता हो. कोई भी ऐसी एसेट नहीं खरीदोगे जो 11th शेड्यूल में मेंशन्ड हो. कोई भी ऐसी एसेट नहीं खरीदोगे जो 11th शेड्यूल में मेंशन्ड हो. कोई भी ऐसी एसेट नहीं खरीदोगे जिसका डेप्रिसिएशन 100% एक ही साल में अलाउड होता हो. कोई भी ऐसी एसेट नहीं खरीदोगे इस पैसे से जो 11th शेड्यूल में मेंशन्ड हो. सर जी ये तो बता दो 11th शेड्यूल में आती कौन कौन सी एसेट है? पान, तंबाकू, सिगरेट, दारू, निगेटिव लिस्ट की एसेट्स जो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है.
उन एसेट्स को आप नहीं खरीद सकते। आप कोई भी ऐसी एसेट नहीं खरीदेंगे जिनका 100% डेप्रिसिएशन डिडक्शन एक ही साल में मिलता हो, या कोई भी ऐसी एसेट नहीं खरीदेंगे जो 11th शेड्यूल में मेंशन हो। कोई भी ऐसी एसेट नहीं खरीदोगे जो ऑफिस में यूज होती हो, कंप्यूटर को छोड़ करके। कोई भी ऐसी एसेट नहीं खरीदोगे जो ऑफिस में यूज होती हो, कंप्यूटर को छोड़ करके। बोलने दो, खत्म तो नहीं किया ना, चिंता ना करो, टेंशन मेरी है समझाने की। जब खत्म हो जाए उसके बाद कहना सर ये छूट गया। कहां थे? कोई भी ऐसी एसेट नहीं खरीदोगे जो ऑफिस में यूज होती हो। ऑफिस में यूज होने का मतलब एसी ऑफिस के लिए मैंने खरीदी, कूलर ऑफिस के लिए। कोई भी ऐसी एसेट जो ऑफिस के लिए खरीदी वो अलाउड नहीं है, लेकिन वही एसी अगर मैंने अपने एम्प्लॉयज के लिए वर्कशॉप के लिए खरीदी है, गोडाउन के लिए खरीदी है, तो वो अलाउड है। अब क्लियर है? मतलब अपनी ऑफिस के लिए, ऑफिस के लिए, ऑफिस पर्पस के लिए अगर मैं कोई एसेट खरीदता हूं तो अलाउड नहीं है दीपक। ठीक, किसको छोड़ करके? कंप्यूटर आप खरीद सकते हो ऑफिस के लिए। कोई भी ऐसी एसेट नहीं खरीदोगे जो रेजिडेंशियल पर्पस के लिए यूज होती हो या गेस्ट हाउस के लिए यूज होती हो। कोई भी ऐसी एसेट नहीं खरीदोगे जो रेजिडेंशियल पर्पस के लिए या गेस्ट हाउस के लिए हो। यानी इन चार एसेट को छोड़कर के आप बाकी एसेट्स खरीद सकते हैं। पहला, जिसका डिडक्शन 100% डेप्रिसिएशन एक ही साल में मिल जाता हो, 11th शेड्यूल में मेंशन हो, ऑफिस के लिए ना खरीदी जाए कंप्यूटर को छोड़ करके, और गेस्ट हाउस को छोड़ करके। क्लियर? इस पैसे का करना क्या था? इस पैसे का करना था बिजनेस में यूज। कसम खाई थी मैंने कि हम इस पैसे को क्या यूज करेंगे? बिजनेस को डेवलप करने में यूज करेंगे। लेकिन कभी कभी जैसा सोचा वैसा हो क्या जरूरी है? नहीं नहीं, कभी कभी जैसा सोचा हो वैसा ही हो क्या ये जरूरी है? नहीं। पैसा विड्रॉ कर लिया, पैसा विड्रॉ हो गया अकाउंट से, जबकि गवर्नमेंट ने हमको टैक्स से छूट दी थी कि आप इस पैसे का यूज अपने बिजनेस को डेवलप करने में करेंगे। लेकिन ये पांच मजबूरियां ऐसी आ गई निकम्मी, ये पांच मजबूरियां कि पैसा अपने आप विड्रॉ हो गया, तो टैक्स लगना चाहिए या नहीं? ऐसे कैसे ना? यहां अब जरा मैं बोलता हूं वो कौन सी मजबूरियां हैं जब ये पैसा विड्रॉ हो गया। ये पैसा विड्रॉ हो गया, पहली मजबूरी डेथ ऑफ एन एसएससी। मान लो कोई एसएससी है मिस्टर एक्स, उसकी डेथ हो गई, क्या उसने जानबूझकर अपना कत्ल किया कि हम टैक्स बचा लेंगे? नहीं। क्या कोई आदमी अपने को मार करके टैक्स प्लानिंग कर सकता है भला? नहीं। तो यहां टैक्स चोरी तो पॉसिबल है ही नहीं, जाए दो, वैसे ही चला गया है, जाए दो, छोड़ दो, पैसा इनके घर वाले निकाल रहे हैं, निकालने दो, कोई दिक्कत नहीं, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। अब क्लियर है? पहली मजबूरी। दूसरी, पार्टीशन ऑफ एचयूएफ। बताओ मेसर्स एचयूएफ, मिस्टर एक्स एचयूएफ के हैसियत से है, बताओ टैक्स लग जाएगा हाँ या ना? क्यों हाँ? अब रीजन समझे, रीजन समझे, रीजन है कि जिस तरह एक आदमी एक बार पैदा होता और मरता है, उसी तरह एचयूएफ भी एक बार पैदा और एक बार मरता है।
उसकी भी वही स्टेटस है जो एक जिंदे आदमी की होती है इनकम टैक्स की नज़र में। एक बार बेटा पार्टीशन हो गया, बंटवारा हो गया, उसके बाद लाख कोशिशें कर लो, इनकम टैक्स वाले आपका सांझा चूल्हा नहीं होने देंगे। बताया था मैंने ये, तो जाहिर सी बात है एक इंसान मर रहा है तो जाए तो नहीं समझे, क्लियर है। तीसरा, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, मेसर्स एक्स वाई जेड तीन पार्टनर थे, उन्होंने अपना बिजनेस क्लोज कर दिया, बताओ टैक्स लगेगा या नहीं? टैक्स लग जाएगा, ये तो आपके ऊपर है। आज हमारी उसकी मैचिंग नहीं कर रही, एक को निकाल दिया दूसरे को ले आए, टैक्स चोरी कर ली, डिसोल्यूशन कर लिया, टैक्स चोरी कर ली, फिर से 2 दिन बाद उसको पार्टनर बना लिया फिर से टैक्स चोरी करने के लिए। ऐसे तो आप बार बार डिसोल्यूशन करते रहोगे, आपकी मर्जी है, जब पार्टनरशिप बनाना हो बनाओ, जब तोड़ना हो तोड़ो, ये तो गलत बात है। कौन सी बात है? गलत बात है। किस पिक्चर का गाना था? हाँ ना, अरुण धवन, वरुण धवन कौन है? फोर्थ कौन सा धवन है? हाँ देखो कौन सा, अच्छा मैं तेरा हीरो। ये यहाँ तक कोई दिक्कत है? पिक्चर का नाम याद आता है, देखो ना थोड़ा दिमाग रिफ्रेश हो जाता है, नहीं पढ़ाई कर करके कितना आदमी मरेगा तपेगा बेचारा कितनी बोरियत चीज होती है पढ़ाई, कितनी बोरी, हाउ बोरिंग और वही पिक्चर देख रहा, हाउ इंटरेस्टिंग। अब समझ में आया। फोर्थ पॉइंट देखते हैं, डिसकंटिन्यूएंस ऑफ बिजनेस। मैंने बिजनेस ही बंद कर दिया, मैं प्रोपराइटर हूं, मैंने बिजनेस को शट डाउन कर दिया, जा बेटा अब नहीं करेंगे बिजनेस। टैक्स लगेगा या नहीं? लग जाएगा, कल फिर से खोल लोगे बिजनेस। आज टैक्स की चोरी कर लोगे, कल फिर से दरवाजा खोल लोगे, फिर बंद करोगे, चोरी कर लोगे, फिर दरवाजा खोल लोगे, ये कौन सी बात होती है? मरे नहीं ना हो, टैक्स लगा दो। लासट, लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। हाँ जी बोलो, लगेगा या नहीं? अब मैं बताता हूं, वो इसलिए नहीं क्योंकि कंपनी का जब पैदा ही कंपनी कानून द्वारा होती है, लॉ द्वारा पैदा होती है तो मरेगी भी ऐसे नहीं मरने वाली। कंपनी आंखें सांसें आंखें आखिरी आंखें नहीं आखिरी सांसें ले रही है, लेकिन तब तक वो आखिरी सांसें लेती रहेगी जब तक लॉ उसको बंद न कर दे। पिक्चरों में देखो तो गोली लग जाती है, वो तब तक जिंदा रहता है जब तक वो अपनी पूरी पूरी बात नहीं कर लेता, तब तक हिचकी ले लेकर बोलते ही रहते हैं, और अगर बात पूरी ना हो जाए तो वो भी फिर पैदा होकर के बोलेंगे कि नहीं। वही चीज़ यहाँ पर भी है, लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। कंपनी को मारने वाला कौन? कोर्ट। कोर्ट कंपनी को मारने वाला कौन? कोर्ट है। तो अगर कानून द्वारा बनी है कंपनी तो कानून द्वारा खत्म भी होगी, अंडर द सुपरविजन ऑफ कोर्ट। नॉर्मली कंपनी टैक्स प्लानिंग करके बंद नहीं होगी, वो अंडर द सुपरविजन ऑफ कोर्ट ही होगी, तो उसमें हम टैक्स इवेजन की तो बात बोलेंगे ही नहीं। और कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू गेट द टैक्स ऑडिट रिपोर्ट इन ईच एंड एवरी ईयर, नॉर्मली वो देखा जाएगा बाद में। क्लियर, हटा सकते हैं। अब तक हम लोगों ने देखा सेक्शन 33 AB में
कि अगर कोई एसएससी टी कॉफ़ी या रबर के बिजनेस में इन्वॉल्व है और अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा रिजर्व में ट्रांसफ़र कर रहा है तो उसको इस सेक्शन में डिडक्शन मिलेगी, बशर्ते उसने अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा डिपॉजिट किया हो टी डेवलपमेंट रिजर्व अकाउंट में, कॉफ़ी डेवलपमेंट रिजर्व अकाउंट में, रबर डेवलपमेंट रिजर्व अकाउंट में बाय ओपनिंग एन अकाउंट इन अ बैंक, चाहे वो SBI हो या उसका नॉमिनी बैंक हो, और अकाउंट मस्ट बी अप्रूव्ड बाय द टी बोर्ड, कॉफ़ी बोर्ड और रबर बोर्ड। अगर टी का बिजनेस है तो टी बोर्ड, ये नहीं कि कॉफ़ी बोर्ड, एक कॉमन सेंस रखना, ठीक। कब तक जमा कर सकते हैं? विद इन अ 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर और डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम विच एवर इज अर्लियर। कितनी छूट मिलेगी? 40% ऑफ द प्रॉफिट ऑफ दिस बिजनेस और एक्चुअल अमाउंट डिपॉजिटेड विच एवर इज हायर, अच्छा लोअर, क्लियर है ना, इन दोनों में से जो कम हो। इस पैसे को आपको जमा करवाया गया था बिजनेस के ग्रोथ के लिए, आप एसेट खरीद सकते हैं, लेकिन ये एसेट नहीं खरीद सकते। कौन कौन से एसेट? कोई भी ऐसी एसेट नहीं खरीदेंगे जो 11th शेड्यूल मेंशन है, कोई भी ऐसी एसेट नहीं खरीदेंगे जिसका 100% डेप्रिसिएशन एक ही साल में मिल जाता हो, कोई भी ऐसी एसेट नहीं खरीदेंगे जो गेस्ट हाउस में यूज होती हो, कोई भी ऐसी एसेट नहीं खरीदेंगे जो ऑफिस में यूज होती हो कंप्यूटर को छोड़ करके। ये 5 मजबूरियाँ बताई गई हैं। जब आपका पैसा ऑटोमेटिकली विड्रॉ हो जाता है तो क्या टैक्स लगेगा? पहला, डेथ ऑफ NSSC ना, लिक्विडेशन ऑफ अ कंपनी ना, पार्टीशन ऑफ HUF ना, डिसकंटिन्यूएंस ऑफ बिजनेस हाँ, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म हाँ। अब तक हम लोगों ने यही देखा। अब सरकार को मूर्ख बनाना है, और मूर्ख बनाना हुआ अब और भी आसान। मैंने सरकार को बोला, इधर आ, उसने कहा बोल, देख मेरे रिजर्व में इतना पैसा है। उसने कहा है, ये ले, मैंने इतना पैसा निकाला और ये एसेट मैंने खरीद ली। पक्का? सरकार ने कहा बिल्कुल पक्का। मैंने कहा तुम्हारे सेक्शंस को फॉलो किया? उसने कहा बिल्कुल फॉलो किया। मैंने कहा मुझे छूट मिलती रहेगी? उसने कहा बिल्कुल मिलती रहेगी। मैंने कहा अब जाओ। जैसे ही सरकार मुड़ी, तुरंत मैंने उस एसेट को इसे बेच दिया। सरकार को लग गया चूना। डेवलपमेंट कहाँ हुआ? कहाँ हुआ डेवलपमेंट? उस पैसे से जो एसेट खरीदी उसको बेच लिया, कौन सा डेवलपमेंट किया? बोलते क्यों नहीं? सरकार को आप मूर्ख नहीं बना सकते। सरकार ने फिर से एक सेक्शन में जोड़ा, इस सेक्शन में ऐड किया। 8 सालों तक, कितने सालों तक? 8 सालों तक आप उस एसेट को सेल नहीं कर सकते, उस एसेट को आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। अगर आप ट्रांसफर कर देते हो तो मुन्ना आपके ऊपर वो टैक्स लग जाएगा जो आपको छूट मिली थी। बोलो भाई, वेयर एनी एसेट एक्वायर्ड इन अकॉर्डेंस विद द स्कीम और द डिपॉजिट स्कीम इज सोल्ड और अदरवाइज ट्रांसफर्ड इन एनी प्रीवियस ईयर विद इन 8 years फ्रॉम द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर इन विच इट वॉज एक्वायर्ड। आपको टैक्स लगा दिया जाएगा अगर 8 सालों के अंदर आपने उस एसेट को ट्रांसफर कर दिया तो। मैंने एसेट खरीदी थी उस रिजर्व से 10 जुलाई 2010 को। बताओ मैं एसेट को कब तक ट्रांसफर नहीं कर सकता? मुझे बताओ वो डेट कि मैं एसेट को कब तक ट्रांसफर नहीं कर सकता, वो 8 साल जोड़ करके बताओ। पहले तो इस साल को खत्म हो जाने दो। जिस साल आपने एसेट की वो खरीदी, उस साल का ईयर कब खत्म होगा? ये साल खत्म हो गया, अब इसमें 8 साल जोड़ दो। आप इस एसेट को 31/3/2019 तक बेच नहीं पाओगे।
अब सुनो वर्ड क्या बोला, द एसेट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड, द एसेट कैन नॉट बी सोल्ड आउट, द एसेट कैन नॉट बी डिस्पोज ऑफ विद इन 8 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द ईयर इन विच द एसेट वॉज एक्वायर्ड। जिस साल ऐसी एसेट एक्वायर की गई थी उस साल के खत्म होने के बाद 8 साल के अंदर तक आप उस एसेट को ट्रांसफर नहीं कर पाओगे। अब क्लियर हुआ सेंटेंस? जिस साल आपने खरीदा वो पूरा साल खत्म कर दो, उसमें 8 साल और जोड़ दो, हां या ना? लेकिन क्या, लेकिन अगर आप इन दो कंडीशंस में एसेट को बेचते हो या ट्रांसफर करते हो तो वो गुनाह गुनाह नहीं कहलाएगा, वो गलती गलती नहीं कहलाएगी। हाँ, वो कौन सी दो कंडीशंस हैं, वो कौन सी दो सिस्टम है जहां पर ये गलती गलती ना हो? पहला, अगर मैंने एसेट ट्रांसफर की है खुद सरकार को, सरकार कौन होती है हमारे ऊपर टैक्स लगाने वाली, कहती है गलती कर दी, अरे तुम ही को बेचे हैं, तुम ही हम पर टैक्स लगाओगे। तो अगर एसेट सेल की गई है गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट में गवर्नमेंट कॉरपोरेशंस को, गवर्नमेंट अथॉरिटी को, तो वहाँ पर कोई गलती गलती नहीं मानी जाएगी, भले ही 2 साल बाद ट्रांसफ़र कर दो। पहली कंडीशन। दूसरी, अगर कोई कंपनी हमारे बिजनेस को टेक ओवर कर ले, मैं पार्टनरशिप फर्म हूँ, कोई कंपनी मेरे बिजनेस को टेक ओवर कर ले, मैं पार्ट प्रोप्राइटरशिप फर्म हूँ, मुझे कोई कंपनी टेक ओवर कर ले, मैं खुद कंपनी हूं, कोई दूसरी कंपनी मेरे बिजनेस को टेक ओवर कर ले, तो भी गलती गलती नहीं कहलाएगी। बोलो भाई, तो दो गलतियां माफ हैं। पहला, इफ द एसेट हैज बीन ट्रांसफर्ड और सोल्ड आउट टू एनी गवर्नमेंट अथॉरिटी, गवर्नमेंट कॉरपोरेशंस और गवर्नमेंट कंपनी, और इन केस ऑफ टेक ओवर ऑफ अ बिजनेस ऑफ द एसएससी टेकन ओवर बाय अ कंपनी, दैट्स इट। क्लियर? पक्की बात है, सेक्शन इज ओवर। मजा आया? एक बार जल्दी जल्दी रिवीजन कर लें, जल्दी जल्दी। अगर कोई एसएससीटी कॉफी या रबर बिजनेस में इन्वॉल्व है, सेक्शन 33AB, अगर कोई एसएससीटी कॉफी या रबर बिजनेस के डेवलप बिजनेस में इन्वॉल्व है, ग्रोथ और मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है इन इंडिया, और अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा वो रिजर्व में ट्रांसफर करता है, तो उसको इस सेक्शन में डिडक्शन मिलेगी, बशर्ते उसने उसके लिए एक अकाउंट खोलवा रखा हो और उसमें एक्चुअल में रिजर्व में ट्रांसफर्ड अमाउंट को डिपॉजिट करता हो। और ये रिजर्व अकाउंट जो उसने खुलवा रखा है वो अप्रूव्ड अकाउंट होना चाहिए टी बोर्ड, कॉफी बोर्ड और रबर बोर्ड द्वारा। उसको ट्रांसफर करना पड़ेगा ये अमाउंट विद इन 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द ईयर और द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम विच एवर इज अर्लियर। कितना अमाउंट डिपॉजिट कर सकता है? 40% ऑफ द प्रॉफिट, मैक्सिमम सीलिंग है डिडक्शन की, 40% ऑफ द प्रॉफिट और एक्चुअल अमाउंट डिपॉजिटेड विच एवर इज लेस। 5 गलतियां बताई गई जब ये पैसा अपने आप विड्रॉ हो जाता है बिना यूज किए हुए। डेथ ऑफ एन एसएससी, टैक्स नहीं लगेगा। डिसकंटिन्यूएंस ऑफ बिजनेस, टैक्स लग जाएगा। लिक्विडेशन ऑफ अ कंपनी, टैक्स नहीं लगेगा। पार्टीशन ऑफ एचयूएफ, टैक्स नहीं लगेगा। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, टैक्स लग जाएगा। क्लियर? इन एसेट्स को आप नहीं खरीद सकते। कोई भी ऐसी एसेट नहीं खरीद सकते जिसका 100% डेप्रिसिएशन एक ही साल में मिल जाता हो। कोई भी ऐसी एसेट नहीं खरीद सकते जो 11th शेड्यूल में मेंशन हो। कोई भी ऐसी एसेट नहीं खरीद सकते जो ऑफिस में यूज होती हो कंप्यूटर के सिवाय। कोई भी ऐसी एसेट नहीं खरीद सकते जो रेजिडेंशियल या गेस्ट हाउस पर्पस के लिए हो। हाँ, जब आप एसेट खरीदेंगे तो 8 सालों तक उस एसेट को आप ट्रांसफर भी नहीं करेंगे, उस साल के खत्म होने के बाद जिस साल ऐसी एसेट आपने खरीदी। हाँ, 2 गलतियां बताई गई हैं, अगर ये 2 गलतियां हो जाएं तो कोई दिक्कत नहीं, गवर्नमेंट को ट्रांसफर करना है या कोई कंपनी हमारे बिजनेस को टेक ओवर कर ले। लेकिन अब एक और नई चीज जो याद आ गई, चले हटा सकते हैं इसको। सुनना, मैंने विड्रॉ किया पैसा, दस अप्रैल 2010 को, 14th को, मुझे कब तक यूज कर लेना है? पैसा विड्रॉ करके जेब में रख लिया,
भी मुझे एसेट खरीदनी है। बोलो कब तक रोक लें इस पैसे को अपनी जेब में, पैसा विड्रॉ कर लिया बैंक से, क्या करें हम? किसी भी कीमत पर 31 मार्च 2015 तक आप इस पैसे को यूज कर लेंगे, ताथैया ताथैया करने की जरूरत नहीं है। आप इस पैसे को निकालने के बाद नाचने की जरूरत नहीं है। 31 मार्च 2015 तक आपको ये पैसा किसी भी तरह यूज कर लेना है। हाँ, अगर आपने 15 अगस्त, पॉसिबल तो नहीं है लेकिन अगर आप आज़ादी के दिन पैसा निकालते हैं तो भी आपको ये पैसा 31 मार्च तक यूज़ कर लेना है। 28 नवंबर 2014 को अगर आपने पैसा निकाला तो भी आपको ये पैसा 31 मार्च तक यूज़ कर लेना है। 10 जनवरी 2015 को निकाला तो भी ये पैसा 31 मार्च 2015 तक यूज़ हो जाना चाहिए। 28 फरवरी 2015 को पैसा निकाला तो भी 31 मार्च 2015 तक ये पैसा यूज़ हो जाना चाहिए। आपने 30 मार्च 2015 को पैसा निकाला तो भी 31 मार्च 2015 तक ये पैसा यूज़ हो जाना चाहिए। और अगर आपने पैसा 31 मार्च को निकाला बेटा तो लानत है, एक दिन वेट नहीं कर सकते थे, आपको ये पैसा 31 मार्च तक यूज कर लेना है। द फंड मस्ट बी यूटिलाइज इन द सेम प्रीवियस ईयर इन विच इट इज विड्रॉन, दैट्स इट। क्लियर है? पक्की बात है? आज की मुलाकात बस इतनी।